जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है श्रावण मास में शिव चालीसा पढ़ना और सुनना, इसके क्या फायदे और क्या रहस्य है। जानेंगे संपूर्ण जानकारी और जानेंगे श्रावण मास में शिव चालीसा पढ़ने से कौन से ऐसे 10 लाभ है जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं श्रावण मास में शिव चालीसा के बारे में। शिव जी को मनाने के लिए लोग कई प्रकार से उनकी उपासना करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उनमें से एक है शिव चालीसा का पाठ। शिव चालीसा की 40 शुभ पंक्तियाँ चमत्कारी है। यह पाठ सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। चालीसा का निरंतर 40 बार पाठ करने से वह सिद्ध हो जाता है। शिव चालीसा के आसान शब्दों से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना अधूरी रह गई है या आप किसी समस्या से जूझ रहे हो तो श्रावण मास में शिव चालीसा का पाठ करके आश्चर्यजनक लाभ आप पा सकते हैं। मित्रों, आज हम जानते हैं शिव चालीसा के 10 लाभ के बारे में। वो क्या है, हमारे लिए क्या लाभकारी है। मित्रों, जिनमें से पहला, धन प्राप्ति के लिए शिव चालीसा का पाठ लगातार 40 दिन तक करना लाभकारी माना गया है। यदि आप भी अपार धन की चाह रखते हैं तो इसे नियत एक ही समय पर प्रतिदिन अवश्य पढ़े या सुने। दूसरा लाभ, शिव जी को मनाने से संतान प्राप्ति की कामना प्राप्त होती है। आप भी श्रावण मास में शिव चालीसा का पाठ कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा, शिव चालीसा का पाठ लगातार 40 दिन तक करने से अगर आपके मन में किसी प्रकार का भय हो तो वह दूर हो जाता है। चौथा, यदि आपको दुखों और परेशानी ने घेर लिया है तो पूरे श्रावण मास में शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें या सुने। अगर आपको नकारात्मक विचारों ने घेर रखा है और आप इससे मुक्ति चाहते हैं तो शिव चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकारी है। श्रावण के पवित्र महीने में शिव जी का ध्यान करके शिव चालीसा का पाठ सुनने या पढ़ने मात्र से ही आपको अशुद्ध भावनाएं तथा विकारों से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, अगर किसी कार्य में रुकावट आ रही है तो कार्य सिद्धि के लिए श्रावण मास में शिव चालीसा पढ़ें। श्रावण मास में कर्ज से मुक्ति के लिए खास उपाय किया जाता है। इस माह में आप शिव चालीसा पढ़ें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मित्रों, दसवां और अंतिम लाभ, शिव चालीसा का पाठ शिव जी को प्रसन्न करने का बेहद प्रभावशाली उपाय है। यह 40 दिन तक पाठ अगर लगातार पढ़ने मात्र से जीवन में सभी परेशानियों को दूर करता है और साथ में शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। मित्रों, ये थी श्रावण मास में शिव चालीसा के पाठ के बारे में विशेष तरह की जानकारी। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय भोलेनाथ।